आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। 8 भर्तियों में नियुक्ति को लेकर यूके ट्रिपल एससी का मंथन जारी है। बीते 3 दिनों से चयनित अभ्यर्थी आयोग की ओर टकटकी लगाए देख रहे हैं और आयोग है कि किसी नतीजे पर पहुंच ही नहीं पाया है। चयनित अभ्यर्थियों का इंतजार सोमवार से जारी है। कल भी दिन भर चयनित अभ्यर्थी आयोग के फैसले का इंतजार करते रहे। इसके बाद खबर आई कि आयोग नियुक्तियों को लेकर आज कोई फैसला देगा, लेकिन अब बताया जा रहा है कि आयोग की ओर से आज भी फैसला आना मुश्किल है। जी हां, यूके ट्रिपल एससी की 8 भर्तियों के चयनित अभ्यर्थियों को अभी 24 घंटे का इंतजार और करना होगा। बताया जा रहा है कि अब आयोग शुक्रवार को दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 8 भर्तियों को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट करेगा। आपको बता दें कि जिन भर्तियों के भविष्य का फैसला होना है उनमें एलटी भर्ती, उत्तराखंड व्यक्तिक सहायक, कनिष्ठ सहायक, पुलिस रैंकर्स भर्ती, वाहन चालक भर्ती, कर्मशाला अनुदेशक, मत्स्य निरीक्षक भर्ती और मुख्य आरक्षी पुलिस दूरसंचार की भर्ती शामिल है। अब करीब 3600 चयनित अभ्यर्थी कल का इंतजार कर रहे हैं, जिनकी नजरें आयोग पर टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत टीवी।